ये चेतक एक्सप्रेस है और दिल्ली से भीलवाड़ा जा रहा हूँ। सुबह के 4:20 हो रहे हैं और मैं भीलवाड़ा स्टेशन पहुँच चुका हूँ। ये प्लेटफॉर्म है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई ट्रेन। और अब मुझे यहाँ से नवग्रह आश्रम जाना है। अब ऑटो ले चुका हूँ मैं, ऑटो से नवग्रह आश्रम, जो कि यहाँ से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ चले। अब हम मेन सिटी और हाईवे से बाहर निकल चुके हैं आश्रम की तरफ। तो जब हम आश्रम की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में इस तरह के कुछ सुनसान से रास्ते आते हैं, वो रात की वजह से ये सुनसान लगते हैं, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही गहरा सन्नाटा है। तो आप देखिए, रात में कुछ इस प्रकार से नज़र आता है, कोई आदमी नहीं, कोई गाड़ी नहीं, दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है, दोनों साइड जंगल है। ये ऐसा, मतलब बिहार में जा रहे हैं हम लोग। आश्रम के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। ये आश्रम की गाड़ी है जो आगे जा रही है। ये आश्रम पहुंच गए हैं। ये लाइन लगी हुई रजिस्ट्रेशन के लिए, सुबह सुबह ही रजिस्ट्रेशन चालू हो जाता है यहाँ पे, मॉर्निंग में 6 बजे से। ये उसी की लाइन लगी हुई है, सभी कैंसर पेशेंट हैं, मतलब परिजन होंगे उनके, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। ये नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान का मेन बिल्डिंग है, ये उसका पूरा परिसर, नवग्रह आयुष विज्ञान मंदिर बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा एरिया है आश्रम का। आप देखिए, अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, गाड़ी गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग है, फिर इधर अंदर ही ये गौशाला है, फिर अलग अलग बिल्डिंगें बनी हुई हैं अलग अलग काम के लिए। जैसे बाहर से लोग आते हैं तो वो यहाँ रुकते भी हैं, तो उनके लिए व्यवस्था है। आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरा परिसर आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा एरिया है।
ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई जंगल नहीं है, ये 400 प्रकार की औषधियाँ हैं जो नवग्रह आश्रम में उगाए जाते हैं। और अब जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गायों का तबेला, गौशाला कहते हैं इन्हें, इसमें ये 150 प्रकार की 150 प्रकार की नस्लों की गाय हैं। ये आश्रम के बाहर का परिसर है, जहाँ पे ये बाहर से जो वाहनें आती हैं, ये वो खड़े होते हैं। ये शौचालय वगैरह हैं जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए है, वो यहाँ फ्रेश हो सकते हैं। और ये सामने ये छोटा सा एक होटल है, क्योंकि इस होटल के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे खाने के लिए। जो बाहर से लोग आते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं खाने पीने के लिए। और ये लोगों के बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, मतलब सब चीज़ की व्यवस्था की हुई है इन्होंने अच्छे से। और ये सामने का जो काउंटर है, ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और ये सेकंड टाइम का है, ये दोपहर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मॉर्निंग का मैंने आपको दिखाया वो हो चुका था, ये दोपहर का है रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है अभी। तो यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और ये इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही है। कोई रास्ता नहीं है, कहीं नहीं जाता, ये बिल्कुल बंद है। ये आश्रम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आश्रम का ही एरिया है ये सारा, मतलब काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये आश्रम, अच्छा खासा है। मतलब जहाँ तक मैं कोशिश की है देखने की। और ये अभी आश्रम के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको मिलता है ये औषधि केंद्र, जहाँ से आपको दवाइयाँ मिलती हैं। और अब ये हम आ गए मेन हॉल में, ये मेन हॉल है जहाँ पे कैंसर क्लास होता है। डॉक्टर हंसराज यहीं पे अपना वो क्लास करते हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने दिखाया था कि वो कैसे क्लास लेते हैं यहाँ पे। जो बाहर से जो भी पेशेंट होते हैं, उनके परिजन होते हैं, वो यहाँ बैठकर क्लास अटेंड करते हैं, वो सुनते हैं उनको कैंसर के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है, औषधि कैसे लेना है, किस प्रकार से। ये पूरा हॉल है, जो भी बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं बैठने के लिए, सोने के लिए, रुकने के लिए। और ये सामने 4 केबिन बने हुए हैं, इनमें वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बैठते हैं 4। तो वो आप जो कैंसर के रिपोर्ट्स लेके आते हैं तो वो आपके रिपोर्ट्स देखते हैं और फिर वो दवाइयाँ लिख देते हैं। तो फिर वो जो औषधि केंद्र दिखाया वहाँ से फिर आपको दवाइयाँ लेनी होती है। तो ये सभी बैठे हैं, अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी ये निकलने के बाद मैं जाऊँगा अंदर, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लीजिए, इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट है वहाँ का। अब मैं जा रहा हूँ आश्रम के अंदर जहाँ पे औषधियाँ उगाई जाती हैं। तो मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं देखता हूँ अंदर ये कितने पेड़ पौधे, किस प्रकार के हैं, कौन कौन सी औषधियाँ हैं। अंदर काफ़ी बड़ा एरिया है, तो अंदर तो आ गया हूँ मैं। चलिए दिखाते हैं आपको भी, आप भी देखिए ये किस प्रकार से ये औषधियाँ उगाई जाती हैं अंदर। ये जितने भी दिख रहे हैं ये सभी औषधियाँ हैं जो कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। कैंसर के अलावा यहाँ पे किडनी, शुगर, बीपी के लिए जो है इस्तेमाल करने में जो औषधियाँ इस्तेमाल होती है वो सभी यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो ये सभी वही हैं, देखिए आप भी।
इनमें से बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे, अपने गली मोहल्लों में उग जाया करते थे, जिनकी हमने कभी कोई कदर नहीं की, पता ही नहीं था कि ये पौधे इतने महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। अच्छा, काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा एरिया था। अब यहाँ से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, बाहर चलते हैं। और ये एक कुटिया है यहाँ पे बनी हुई, आराम करने का मन कर रहा है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं।